जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC साउथर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपकी 2024 की नई वैकेंसी निकाली है जिसमें कि आपके 2438 पोस्ट निकाले गए हैं। और आप लोग इस फॉर्म को 22 जुलाई 2024 से लेकर के 12 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी रेशन से लेकर प्रिंट तक दी जाएगी, साथ ही साथ कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि आपको इसके बारे में आगे भी आने वाले सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद में गाइज, जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ये लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC को 100 और SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा। फिर कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे फ्रेशर पोस्ट पर आप जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ITI पोस्ट पर आपसे 10वीं और जिस ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में आपके पास ITI कोर्स होना चाहिए। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर क्लिक या टू व्यू नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से जानेंगे कि इसमें आपको बोला कि कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशन एरियाज फॉलिंग विद इन द जियोग्राफिकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ साउथर्न रेलवे अलोन आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो यहां पर मेंशन की गई है स्टेट, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पूरी तमिलनाडु स्टेट से, पूरी जो यूनियन टेरिटरी आपकी पुडुचेरी की उससे अप्लाई कर सकते हैं, केरला से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड, यहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ओनली टू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की, जिसमें कि SPSR नेल्लोर एंड चित्तौर, इसके कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ एक डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की, जो कि है दक्षिण कन्नड़, यहाँ के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई और इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। एंड फिर यहाँ पर आपके ट्रेड वाइज फ्रेशर कैटेगरी ये सब इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अब अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप कैसे भरेंगे? तो ये जो आपने अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन किया था, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको आपकी यूनिट सेलेक्ट करने की कौन सी यूनिट में आपको अप्लाई करना है। ये यूनिट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको अप्लाइंग एज, तो आप एज फ्रेशर या एज ITI यानी कि 10वीं के माध्यम से अप्लाई करें या फिर ITI, तो जिससे भी करें वही आप सेलेक्ट कीजिए। फिर आपकी जो डिवीज़न है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद में किस ट्रेड में आप अप्लाई करें वो ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी, अभी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आपको क्लिक है टू फिल न्यू एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फीस की जानकारी दी गई है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। अभी गाइज यहाँ पर जो आपका फुल नेम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरेंगे। फिर आपको आपका फादर नेम देना है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आप यहाँ पर आपके पिता का ही नाम एंटर करेंगे। रिलीजन आपका क्या है जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप टिक करेंगे। कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है, OBC SC ST जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप OBC SC ST है तो फिर आपको यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको एंटर करना होगा, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको पैलेस ऑफ इशू यानी कि कौन सी सिटी के द्वारा ये इशू हुआ है उस सिटी का नाम आपको देना है। मैं डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ अपने पैलेस का नाम, आप आपके पैलेस का नाम देंगे। इश्यूड बाय किसके द्वारा ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया गया है, तो जिसके द्वारा भी जारी किया है वो आप यहाँ पर लिखिए। आपका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के ऊपर जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में आपकी अथॉरिटी का नाम दिया गया हो कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस का सेक्शन आ चुका है, तो सबसे पहले एंटर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे। फिर आपकी इनमें से कौन सी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वही आप यहाँ
यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UID यानी कि जो आपका आधार नंबर है या तो वो या फिर जो UID नंबर है वो आप यहाँ पर भरेंगे, फिर आप फोटो साइन अपलोड करेंगे। किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, 2 महीने से पुराना न हो, फॉर्मेट JPG या फिर PNG का, साइज 75 KB से कम, और यहाँ पर गाइज बाकी इंस्ट्रक्शंस भी आप देख सकते हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे, इस तरह से आपकी फाइल आ जाएगी। अब आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आती है, तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10th आपने कौन से स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, जहाँ से भी किया उसका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए, कौन से बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है, आपको अब आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जिस स्टेट से आपने क्वालिफिकेशन की है। मैं डेमो के लिए जानकारी भर रहा हूँ, आप आपकी रियल की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए, और किस साल के अंदर आपने ये जो एग्ज़ाम है वो दिया था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, यानी कि कौन से एग्ज़ाम में आप कौन से साल में आपने पास किया है। फिर गाइज यहाँ पर आपको ये भी बताया कि अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में किस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ग्रेड, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अगर आपने ITI पोस्ट पर अप्लाई करना चुना है तो आप ITI की इन्फॉर्मेशन देंगे, सेम तरीके से बताइए कि कहाँ से आपने आपकी जो ITI है वो की है, और उसके बाद में आपको बताना कि कौन सा आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी था, तो जिससे भी आपने किया है वो आपको यहाँ पर बताना है। ये बताने के बाद में आप आपकी स्टेट बताएंगे, फिर यहाँ से आपने किस साल के अंदर पास किया वो साल आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, फिर आपको जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है, कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर भरेंगे, फिर टोटल मार्क्स डालेंगे, उसके बाद में लास्ट स्टडीड क्वालिफिकेशन डिटेल, जो आपने लास्ट क्वालिफिकेशन पढ़ी थी वो कौन सी थी, तो जो भी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो पहले तो आपको इसका जो इंस्टीट्यूट है वो बताना है कि कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन पास की है, और उसके बाद में फिर आपका TC नंबर, और फिर ईयर ऑफ सर्टिफिकेट, एंड देन प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन एंड एडिशनल डिटेल भरेंगे, तो पहले तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर जो आपका मंथ है वो, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज आपकी बॉडी के ऊपर निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो यहाँ पर 2 निशान के बारे में आपको लिखना है, जो भी आपकी बॉडी के ऊपर जहाँ पर भी निशान है। उसके बाद अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो दूसरे मार्क के बारे में लिख दीजिए, अगर नहीं है तो 9 मार्क सेकेंड में लिख दीजिएगा। Are you person with disability, क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब जाकर के आप यहां पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आप भरेंगे, और उसके बाद क्लिक है फॉरवर्ड टाइम पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया गया होगा, वो OTP यहां पर डाल दीजिए और सबमिट वन टाइम पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आप यहां पर देखेंगे ट्रांजेक्शन ID आपको मिल चुकी है, क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए वो डायरेक्टली क्लिक है टू प्रिंट योर एक्नोलेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट या फिर उसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग RRC साउथर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।